दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान की। जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज है 18x45, 18x45 में ये पूरा मॉडल मैंने क्रिएट कर रखा है, इसी को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और मॉडल को पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कार पार्किंग को भी सिलेक्ट किया है, गेस्ट रूम भी बनाया है, साथ साथ दो बेडरूम, लेट बाथ, किचन, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रखा है। तो आपके सामने जो मॉडल मैं बनाने दिखाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और इस मॉडल को आपके सामने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका प्लान भी लेना चाहते हैं, 2D प्लान, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज का जो मॉडल है 18x45, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको ले चलूंगा मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा बेहतरीन सा प्लान आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है और यहाँ पर कलर को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को भी मिल रहा होगा, हालांकि ये कलर कौन सा है आप समझ सकते हैं, हल्का मुझे ब्लू टाइप का दिख रहा है, आप जो भी समझे, जो भी कलर आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी कलर होगा। इसका जो डिज़ाइन है वो एक मॉडर्न हाउस डिज़ाइन टाइप का आपको कार पार्किंग में मिलती है। फ्रंट का एलिवेशन में पैनल वगैरह मैंने यूज कर रखा है, जिससे डिज़ाइन और खूबसूरत आपका दिखने लगे। तो यही पूरा 18x45 फिट में फ्रंट इसका 18 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसका ये पूरा 45 फिट है, जिसको कि मैंने यहाँ से कवर्ड नहीं किया है साइड से। अगर आपका साइड में किसी का घर है ना, तो आप इस वॉल को पूरा कंप्लीट करा सकते हैं। तो इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने लगभग 6 फिट का आगे भी स्पेस दिया है, इसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं, अपनी बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कार पार्किंग यहाँ पर अलग से देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, तो आप देख सकते हैं फ्रंट बहुत ही नॉर्मल और कलर कॉम्बिनेशन आपको मैंने बेहतरीन सा दिया है, और इसमें जो आप नेम प्लेट वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, अन्यथा आप ना लगाएं, ये आप पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों क्या है, ग्राउंड फ्लोर आप देख पा रहे हो, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जी, इसका मेन गेट है जहाँ से एंट्री करेंगे, और ये यहाँ पर देखिएगा, मैं टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले ये एक विंडो है जिसको मैंने फ्रेम में कवर किया है और ये डिज़ाइन उस पर दे रखी है। इसका जैसे आगे जाएंगे ना, कार पार्किंग मिलेगी और इस कार पार्किंग से ही आप इस गेस्ट रूम को एक्सेस कर पाएंगे। इसका मेन डोर ये है जिससे आप अंदर जाएंगे, इसमें विंडो भी दिया है वेंटिलेशन के लिए, और आप आंगन में पहुँच जाते हैं। आंगन में आप जाल रखवाएंगे। साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पर स्टेयर्स बनाना भूल गया हूँ और इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो आपको स्टेयर्स यहाँ से बनना स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी स्टेयर्स बनेंगी। और इसके बाद जस्ट पीछे दो बेडरूम आपको देखने को मिलते हैं, ये आपका किचन एरिया है, ये लेट बाथ एरिया आपको देखने को मिल जाता है। तो 3 बेडरूम और ये डाइनिंग हॉल, और इसी में स्टेयर्स आपकी इंक्लूड होंगी, जो कि मैं भूल गया हूँ बनाते समय, तो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। ये आपकी कार पार्किंग है और फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, गेट का डिज़ाइन वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार पार्किंग वाला एरिया था, उसमें मैंने एक और बेडरूम कवर कर दिया है, और उसी बेडरूम से आप बालकनी भी बाहर आ पाएंगे, जो कि 6 फिट का एरिया था उसे कवर और किया बालकनी एज अ बालकनी। तो ये आपकी बालकनी है, इधर सेम डिज़ाइन मैंने रखा है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और सारी चीज़ें वही सिमिलर है, बस ये वाला एक बेडरूम जो कार पार्किंग वाला एरिया था वो बढ़ जाता है, और इधर फ्रंट का जो एलिवेशन है वो आपका अलग मैंने कुछ कर दिया है, यहाँ पर भी एक विंडो दे दिया, ये ग्रिल वगैरह लगा दी है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, ये आपको एक पैनल का डिज़ाइन मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे होंगे एक पैनल को मैंने इस्तेमाल किया, जिससे घर का लुक और आपका अट्रैक्टिव देखने में लगने लगता है। तो ये पूरा 18x45 का मॉडल था जो आपने देखा, और मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ। जब भी आप देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें लगा रखी हैं, ग्रिल वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी खूबसूरत मकान आपका ये बना हुआ है 18x45, फ्रंट एलिवेशन जो बना कर मैंने आपको दिया है। तो ये पूरा मॉडल था आज का 18x45 में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप किसी भी प्रकार का हमसे बनवाना चाहते हैं घर के नक्शे को, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, वो हमारी पेड सर्विस है, इसमें कि 50% पेमेंट आपको एडवांस करना होता है, 50 बाद में करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का घर बनवा सकते हैं। अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी घर बनाया जाता है, और अगर नॉर्मल चाहते हैं या विला वगैरह जो भी चाहते हैं, सारे टाइप के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।